बिहार के किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी पूरी जानकारी के लिए एकमात्र यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ बिहार 121। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मुंगेर के टॉप 10 कॉलेज कौन है तथा ये कॉलेज कहां से एफिलिएटेड है और कहां से अप्रूव्ड है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताते चलेंगे कि इन कॉलेज के फी क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों मुंगेर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में नंबर 1 पे है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ मुंगेर। यह कॉलेज सजावलपुर में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 2019 ईस्वी में। दोस्तों यह कॉलेज AKU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड भी है। इस कॉलेज से आप BE या BTEC में डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। यहां से आप सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से BTEC कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद मुंगेर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 2 नंबर पे है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ मुंगेर। दोस्तों यह कॉलेज हवेली खड़गपुर में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 2016 ईस्वी में। यह कॉलेज SBTE पटना से एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों यह एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसलिए यहां से आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद मुंगेर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 3 नंबर पे है ZHI कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट। यह कॉलेज मुंगेर में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 1978 ईस्वी में। दोस्तों यह कॉलेज AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों इस कॉलेज को मैं मुंगेर का सबसे बेस्ट कॉलेज मानता हूँ, क्योंकि इस कॉलेज से आप BA, BSc, MA, MSc, BSc, FAD, BJ, BL, ISc, BJMC, BSc, MLT, BTTM, BBA, BCA, MCA, MBA, DHM, DTM, DFD, DMLT, PGDCA, PGDMM, PGDMA तथा और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद मुंगेर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 4 नंबर पे है IRIMEE कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है दोस्तों इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों यह कॉलेज जमालपुर में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में। यह कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन यह कॉलेज सिर्फ रेलवे कर्मचारियों के ट्रेनिंग के लिए ही है। यहाँ पर सिर्फ रेलवे के कर्मचारी को ही ट्रेनिंग दिया जाता है, इसलिए इस कॉलेज में बाहर से कोई भी एडमिशन नहीं होता। इस कॉलेज के बाद मुंगेर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 5 नंबर पे है VS लॉ कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है दोस्तों विश्वनाथ सिंह लॉ कॉलेज। यह कॉलेज भी मुंगेर में ही है तथा इसकी स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में। दोस्तों यह कॉलेज TMBU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा BCI द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों इस कॉलेज से आप LLB का कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद मुंगेर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 6 नंबर पे है THHMC कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है टेंपल हहनेमन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। दोस्तों यह कॉलेज बेलन बाजार मुंगेर में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। यह कॉलेज BRAPU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा CCIM द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों इस कॉलेज से आप BHMS का कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद मुंगेर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 7 नंबर पे है RDNDJ कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है दोस्तों राजा देवकी नंदन एंड डायमंड जुबली कॉलेज। यह कॉलेज शास्त्री नगर मुंगेर में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 1898 ईस्वी में। दोस्तों यह कॉलेज मुंगेर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा NAAC ग्रेड B का यह कॉलेज है। इस कॉलेज से आप BA, BCom, BSc, MA, MCom तथा MSc से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद मुंगेर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 8 नंबर पे है JRS कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है दोस्तों जगजीवन राम श्रमिक कॉलेज। यह कॉलेज भी मुंगेर में ही है तथा इसकी स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में। दोस्तों यह कॉलेज मुंगेर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। इस कॉलेज से आप IA, ISc, BA तथा BSc से डिग्री कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद मुंगेर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 9 नंबर पे है HS
कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है हरि सिंह कॉलेज। यह कॉलेज हवेली खड़गपुर में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। दोस्तों यह कॉलेज मुंगेर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा UGC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। इस कॉलेज से आप BA और BSc से कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद मुंगेर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 10 नंबर पे है BRM कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है वाल्मीकि राजनीति महिला कॉलेज। दोस्तों यह कॉलेज वासुदेवपुर मुंगेर में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। दोस्तों यह कॉलेज भी TMBU यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है तथा NAAC द्वारा अप्रूव्ड है। यह एक महिला कॉलेज है इसलिए यहाँ पर सिर्फ लड़कियों का ही एडमिशन होता है। इस कॉलेज में BA और BSc से डिग्री किया जा सकता है। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं तथा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको इस वीडियो में कोई गलत इन्फॉर्मेशन लगता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम आपका एहसान मंद रहेंगे।